समर्थन में घूम रहे हैं, जनता का क्या मिल रहा है? जनता का रुझान एक सरफा हो चुका है, पिंडोइया की तरह बह चुका है, अभी रुकने वाला नहीं है। और जनता का रुझान इतना है कि उनको विदाई तय, और हर बार उनको नारी शक्ति से विदाई हुआ है, इस बार भी नारी शक्ति से उनको विदाई होना है। 2014 बनाम 2024। लल्लू मुखिया के बारे में बताया जा रहा है कि बाहुबली है, ये अशोक महतो सारा बाहुबलियों को जुटा रहे हैं। देखिए, अगर यदि जो जितना हमको जनता साथ है और ये पूरे समाज के सहयोग और समर्थन आशीर्वाद मेरे साथ है, इसके जरिए अगर यदि जो कहते हैं कि बाहुबली है, तो हम जनता के बल पर बाहुबली हैं। जनता मेरे साथ है तो बाहुबली कहते हैं। आपके जो कैंडिडेट है उनकी जीत कितने वोटों से होगी? बहुत भयंकर वोट से जीत होगा, गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। इसके लिए अब चिंता करने का विषय नहीं है, जो लोग सोचे। मुगर संसदीय क्षेत्र में जनता का क्या आपके प्रति रुझान है? जगह जगह सर जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ सर जो वर्तमान सांसद है ललन बाबू को मतलब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो तो सांसद बन गए सौदा करके सौदागर हैं, इसलिए जो सौदा में खर्च किए हैं उसको भरपाई के लिए वो तो समूचे योजना को ही बेच दिए। जिस तरह से आप आम से आम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो वर्तमान स्थिति देखकर आपको क्या लग रहा है? कहीं कुछ विकास हुआ ही नहीं, सब योजना का सिर्फ बंदरबाट हुआ है। हर जगह दो चार आदमी को माने ठीका पट्टा दे करके रखे हुए हैं, दलाल उनका जो लगा हुआ है एजेंट वही सबसे है, और कोई जनता आम जनता उनके साथ देखती नहीं। सर कहीं ना कहीं जो हमारे सीएम है, पूरे लोकसभा में घूम चुके हैं, करीब करीब कहीं भी मुख्य रोड के सिवा कहीं कोई रोड बना ही नहीं। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर कि 4000 सीट जो है कि लानी, तो चल करके मुख्यमंत्री खुद जा करके देखें, और इसी के लिए तो हम घूम रहे हैं कि नहीं आवाज यहाँ कोई कहीं हम गरीबों का आवाज संसद तक नहीं गूंज रहा है, वहाँ तक हमारा सांसद जाकर गरीबों का आवाज सर। प्रदेश में 40 सीट है, और जो सीएम साहब है नवादा के कार्यक्रम में बोल रहे 4000 सीटों का, इसे जाकर पूछ लीजिए कि नया कोई सीट बनाए बनाए हैं क्या। एक चीज क्या लोग का कहना है, एक सवाल और है सर, जो कि सीएम का एक रहा कि पूरे प्रदेश के जो नागरिक है जिला मुख्यालय हो या राजधानी पटना पहुंचने के लिए 5 घंटा का टाइमिंग रहेगा, क्या लगता है मुंगेर संसदीय क्षेत्र में रोड का क्या स्थिति है? राजधानी आने में 5 घंटा क्या, मुंगेर संसदीय क्षेत्र के जनता को मुंगेर पहुंचने में 7 घंटा लगेगा। विरोधियों का कहना है कि अति पिछड़ा वोट के नेता नीतीश कुमार है, आपका क्या कहना है सर? थे लेकिन अब नहीं रहे। कहीं ना कहीं विरोधियों आप पर यह भी आरोप लगाते हैं कि अशोक महतो जो है कि अपराधी छवि के लोग हैं, बाहुबलियों का जमावड़ा कर रहे हैं, जेल ब्रेक कांड का अभियुक्त है, उल्टे चोर व झपटन लागे। जो चोर होता रहता है वही दूसरे को चोर कहता है, जो बेईमान रहता है वही दूसरे को बेईमान कहता है। तो चोर बेईमान सब कुछ तो खुद है, उससे बाहुबली कौन है? हम जन सेवक हैं लेकिन हमें बाहुबली कहा जाता है क्योंकि हम पिछड़ी जाति से आते हैं। अगली जाति के लोग, दबंग लोग, सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो लोग तो कहें क्रिमिनल कहें कुछ भी कहें, इससे कोई तब फर्क नहीं पड़ता। बाहरी हैं, बाहरी इनको पता क्या है, बाहरी, विकास क्या बाहरी वो है कि बाहरी हम हैं, हम तो संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी दिए हुए लेकिन वो कहाँ का दिए हुए हैं, कहाँ का है वो खुद बतावे ना पहले। जदयू के कुछ नेता है जो है चरित्र पे भी लांछन लगाते हैं कि जो अच्छी महिला होती तो अशोक महतो से शादी नहीं होती। बिल्कुल सही उनका कहना है, कहे के लिए हम उस पर कमेंट करें, अगर उनका छवि अच्छा था तो मोटा फिर हम बोलना शुरू कर देंगे उसको तो इसलिए इस बात पर कमेंट मत करिए।